हेलो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो जी, मॉर्निंग का टाइम है और बस यहाँ पर मैं कर रही हूँ बच्चों के टिफ़िन की तैयारी। सबसे पहले उठकर मॉर्निंग में यही काम रहता है कि बच्चों का टिफ़िन तैयार कर दो जल्दी से। तो मैं आज बना रही हूँ मेथी के भरवा पराठे और साथ में चाय रख दी है बनने के लिए। और यहाँ पर मैंने अपना पानी भी रख दिया है पीने के लिए, जैसे कि मेरी वेट लूज जर्नी स्टार्ट हो गई है। तो पानी तो मैं पहले भी पीती थी लेकिन अब थोड़ा अलग पी रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने ना 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया था और उसको थोड़ा सा छेद कर, मतलब थोड़ा सा कचूंद कर, क्या बोलोगे उसको, तो वो मैंने पानी में डाल दिया था और उसको एक दो खद्दा लगा लिया था और उसको मैं अब छान कर पी लूँगी। उसमें डालूंगी मैं आधा नींबू और बस मैं इसको, फिर ये मेरी ड्रिंक तैयार हो जाएगी। और आप ना कोई सी भी ड्रिंक ले सकते हो सर्दियों में, बदल बदल के अजवाइन पानी, धनिया पानी, मेथी पानी और गरम पानी, एप्पल साइडर विनेगर, कुछ भी ले सकते हो आप, सब फायदा करता है। और अब सर्दी है ना, तो आप कुछ भी ले सकते हो, आपको कोई भी चीज़ नुकसान नहीं करेगी। गर्मी में थोड़ा सा नुकसान करने लगती है क्योंकि गर्मी होती है और गरम गरम चीज़ें पीते हैं तो वो नुकसान करने लगते हैं। मुझे तो नुकसान करती है तो मैं इसलिए गर्मी में थोड़ा सा अवॉइड ही करती हूँ ऐसी चीज़ें। लेकिन अब सर्दी है, आप कुछ भी मतलब ले सकते हो, इनमें से कोई सा भी पानी ले सकते हो मॉर्निंग में, लेकिन लेना आपको ज़रूर है। मॉर्निंग में खाली पेट आपको एक ड्रिंक ज़रूर लेनी है, ठीक है? उसके बाद मैंने बच्चों को स्कूल भेज दिया था, पानी तो मेरा उनके सामने ही हो गया था। मैं फ्री हो गई थी तो मैंने अपना पानी भी पी लिया था और यहाँ पर मेरी एक्सरसाइज स्टार्ट हो गई है। और ये जो सैनील का सूट है ना, ये ना चिपकता है स्वेटर में, तो ये ना ऊपर हो जाता है, बार 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 ऊपर हो जाता है। तो बस ये ना मैं पहन तो लेती हूँ इसके ऊपर स्वेटर, लेकिन मुझे ना थोड़ी सी दिक्कत सी होती रहती है। तो देखिए यहाँ पर मेरी एक्सरसाइज चल रही है जो कि आजकल मैं पूरा आधा घंटा दे रही हूँ। मैंने कहा चलो अच्छे से जल्दी से वजन कम हो जाए और फिर देखते हैं 1 महीने बाद होगा। वैसे तो मुझे पता है क्योंकि ये 32 बार फार्मूला ही ऐसा फार्मूला है कि आप घर का बना मतलब सब कुछ खाकर भी अपना वजन कम कर सकते हो। और मैं सब कुछ खाती हूँ जो मेरे घर में बनता है, मैं वही सब कुछ खाती हूँ। और ये नहीं कि मैं ये छोड़ दूंगी वो छोड़ दूंगी, नहीं, मेरे घर में जो भी बनता है दोपहर में मैं वही सब कुछ खाती हूँ। तो बस ऐसे ही मैं अपना वज़न कम कर लेती हूँ। अब मुझे टेंशन नहीं होती है, मैं अपना वेट लूज जर्नी को स्टार्ट करती हूँ और फिर वज़न कम कर लेती हूँ और फिर खाती पीती हूँ, फिर से बढ़ जाता है, लेकिन मुझे कोई टेंशन नहीं होती है। फिर से मैं स्टार्ट कर लेती हूँ अपने वजन। तो जी, गाने सुनते सुनते कम मेरा काम हो गया, पता ही नहीं चलता। मैं ना सुबह को ऐसे ही करती हूँ, जैसे मैं अपना काम में स्टार्ट लगती हूँ ना, स्टार्ट करती हूँ, ऐसे ही मैं अपना टीवी ऑन कर देती हूँ, अपने हिंदी गाने, दर्द भरे गाने और बेवफाई के गाने मतलब सुनती रहती हूँ। और जब मेरा पूरा काम ख़त्म हो जाता है तब जाके मैं अपना टीवी बंद करती हूँ। तो अभी भी देखिए, बस मैं नहा कर आ गई हूँ, काम मैंने सारा कर लिया था, झाड़ू पोछा बर्तन, तो अभी नहा कर आ गई हूँ। और आज ना मेरा काम बहुत जल्दी हो गया था, सारी एक्सरसाइज भी मैंने अपनी कंप्लीट कर ली थी, बच्चों के जाते ही मैं लग गई थी, आज मैं बैठी नहीं थी। अगर बैठ जाती हूँ ना तो फिर आलस आ जाता है एकदम, जैसे ही बच्चे गए कभी मैं कभी मन करता है बैठ जाओ थोड़ी देर, लेकिन अगर बैठ जाते हैं ना फिर आधा पौन घंटा पता नहीं कब मेरे को निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। तो आज ना मैं बिल्कुल भी नहीं बैठी थी, मैंने उनके जाते ही एक्सरसाइज करी। और एक्सरसाइज करते ही जो फुर्ती आ जाती है ना शरीर में गाइज, एक बार जो कोई करता होगा उनको पता होगा कि हाँ, एक्सरसाइज करके ना एकदम से फुर्ती सी आ जाती है शरीर में और काम करने में और ही मन लगने लगता है, मतलब फटाफट फटाफट हमारे काम होते चले जाते हैं। तो नहा ली हूँ, सबसे पहले कान्हा जी की पूजा कर लूँगी, अपने मंदिर में जोत लगा दूंगी, उसके बाद होगा मेरा आगे का जो भी काम होगा। अभी सिर्फ कान्हा जी को भोग लगा दूंगी और पूजा पाठ कर लूंगी। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। तो गाइज, सुबह के बज गए हैं 11 और काम मेरा काफ़ी देर पहले ही निपट गया था, लेकिन फ्रूट खाने की हिम्मत नहीं हो रही थी, सर्दी लग रही थी बहुत ज़्यादा। तो मैं ना अभी अपना नाश्ता लेकर बैठी हूँ, ये है अमरूद और एक यही है, क्या है, सीताफल। आप लोगों ने भी कमेंट्स किया था बहुत ज़्यादा कि दी इसको सीताफल ही बोलते हैं, लेकिन मुझे पता नहीं किस हिसाब से इसको सीताफल बोलते हैं। सीताफल तो सब्जी वाले उसको बोलते हैं ना, जो कद्दू होता है उसको बोलते हैं। तो अभी मैं करूँगी नाश्ता, तो उससे पहले मुझे करनी है आपसे कुछ बात। जैसे कि कल मेरी वीडियो गई है, 32 बार मैंने स्टार्ट कर दिया है, तो एक सिस्टर का कमेंट्स ये आया था कि 13 तारीख की वीडियो, जाने 14 बोला है मैंने उसमें, जाने 13, 19 में दिखा रहे हो, तो उसका रीज़न क्या है गाइज, वो सुन लो आप।
स्टार्ट तो मैंने 13 से ही किया था, वीडियो भी बिल्कुल रेडी कर दी थी, लेकिन हुआ क्या था, जैसे ही मैंने उसको अपलोड की वैसे ही उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई। जैसे कि अर्निंग होती है ना हमारी, वीडियो से डॉलर बनते हैं, तो उस पे जब हमारी अर्निंग होती है तो ग्रीन डॉलर होता है, और अगर हमें उससे अर्निंग नहीं होगी तो उस पे येलो डॉलर होगा। तो उस पे ना येलो डॉलर आ रहा था, वो पता नहीं मुझे किस वजह से आ रहा था, तो मैंने ना उसको फिर रिव्यू में डालकर और उसको मैंने प्राइवेट कर दी थी। जब तक वो उसका ग्रीन डॉलर नहीं हुआ मैंने वो अपलोड नहीं की थी, क्योंकि मैं वीडियो डाल दूँ और मुझे उस वीडियो से कुछ ना मिले तो फिर वो बेफालतू की वीडियो है ना, बेकार एकदम। तो इस वजह से वो वीडियो थोड़ी सी लेट गई है। बाकी मेरी वेट लूज जर्नी जब ही से स्टार्ट है, और अब आपको रेगुलर वीडियो मिलेगी, जैसे मैं बनाऊंगी वैसे ही आपको वीडियो मिलेगी, ठीक है। तो वो इसी वजह से थोड़ा सा वीडियो में वो हो रही है कि हाँ 13 तारीख की है, लेकिन वो वीडियो बिल्कुल है, और 13 तारीख से मैं रेगुलर कर रही हूँ, अपने 32 बार को अच्छे से फॉलो कर रही हूँ, और काफी पहले से काफी फर्क पड़ गया है। आप लोग देख सकते हो मेरा फेस, जब मैं शादी में से आई थी ना ऐसा हो रखा था मेरा फेस, तो अभी काफी पतला हो गया है। तो बस यही बात है, और आपको ना रेगुलर वीडियो मिलेगी हर दिन की, हर दिन की। जैसे कि आज 19 तारीख है तो 19 को मैं बना रही हूँ, 20 को ये पहुंच जाएगी, ठीक है। तो चलो मैं नाश्ता कर लेती हूँ। और गाइज हाँ, एक सिस्टर का कमेंट्स ये भी आया था कि दी आपने स्वेटर पहन रखा है और खाना खाने के बाद वजन किया है, इस वजह से आपका वजन ज्यादा आया है। तो हाँ जी, ये बात बिल्कुल सही है, मेरा पूरा 2 किलो वजन एक्स्ट्रा आया है, क्योंकि जब मैंने अभी पीछे से मैं गई थी ना हॉस्पिटल, मैंने आपको वीडियो शेयर की थी हॉस्पिटल की, तो मैंने ना वहाँ हॉस्पिटल में अपना वजन किया था, वहां मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, लेकिन मुझे देखकर बहुत खुशी मिली थी। मैंने कहा चलो इतना नहीं बढ़ा है जितना मुझे लग रहा था, अभी मेरा वजन पूरा 66 है, वहां पर मैंने किया था, उन्होंने डॉक्टर ने किया था ना। अभी मैं आपको पर्चा भी दिखा दूंगी, अगर आप बोलोगे तो पर्चे में वेट पूरा लिखा है। तो अभी मेरा वजन इतना ही है। तो चलिए नाश्ता कर लेती हूँ, यह है आज का मेरा नाश्ता, और फिर मैं चलूंगी छत पे। साफ हो गया है, और अब मैं चलती हूँ छत पे। आज इसको भी ना थोड़ी सी धूप लगाकर पीस कर रख दूंगी। धनिया मिर्ची 2-3 दिन हो गए इसको मैं धूप लगा रही हूँ, मुझे ना भी जरूरत नहीं थी, इसलिए मैंने कहा चलो अच्छे से सुखा लेती हूँ तब ही पीसूंगी। और चलो लाइट को बंद है, चलो अभी ना 12 बज रहे हैं, मैंने कहा अभी 2 घंटे हैं, क्या करूँ नीचे ही बैठ के, चलो छत पे ही चलते हैं, झाड़ू भी लगा दूंगी। अब ना मैं रोज रोज झाड़ू लगा देती हूँ, हल्का फुल्का सा कूड़ा होता है और वो साथ के साथ ही साफ हो जाता है। तो चलो देखते हैं छत का क्या हाल है। हाँ देखो, कल लगाई थी लेकिन फिर भी ना हो रहा है कूड़ा, ये देखो। तो मैं ना अभी झाड़ू लेके आती हूँ और फिर लगा दूंगी, इसको रख देती हूँ सुखाने के लिए। सूख गई है, बस आज मैं इसको पीस कर रख दूंगी, ये देखो। बना रही हूँ दोपहर का खाना, नीचे आ गई थी मैं 2 बजे, मैंने कहा चलो अब नीचे चलती हूँ खाना वाना बना लेती हूँ। तो मैं बना रही हूँ दोपहर के खाने में दाल चावल, और दाल बना रही हूँ मैं आज उड़द की दाल। बहुत बार रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, इस बार आज नहीं बताया क्या क्या डाला है। तो यहाँ पर मैंने दाल बनने रख दी है, और बना लेती हूँ चटनी, जो कि मैं हरे धनिया की चटनी बना रही हूँ, हरी मिर्च की। और ये ना मैं इसलिए बना रही हूँ, मैंने ना कल दही भल्ले बनाए थे, मतलब जो मूंग की और उड़द के दाल के भल्ले होते हैं ना, तो वो बनाए थे मैंने। कल तो हमने ऐसे ही खा लिए थे बिना चटनी के, लेकिन अधूरे अधूरे से लग रहे थे हरे धनिया की चटनी के बिना। तो यहाँ पर मैंने कहा चलो मैं चटनी पीस लेती हूँ, फिर जाकर आज हम उनको खा लेंगे।
तो यहाँ पे मेरी चटनी भी पिस गई है और दाल भी मेरी बन गई थी, तो चलो दाल को मैं छोंक लगा लेती हूँ। सरसों का तेल लिया है और उसमें मैं सिंपल तरीके से ही मैं ये वाली दाल छोंकती हूँ, साबुत मिर्ची से और जीरे से छोंकती हूँ। तो दाल मैंने डाल दी थी और इधर मैंने आज कुकर में ही चावल बनने के लिए रख दिए हैं, इसलिए मैंने ना दाल भगोने में छोंक दी थी। मैंने कहा चलो उसी में छोंक दूंगी और उसी में फिर रह जाएगी वो दाल, कुकर खाली हो जाएगा। तो ये मैंने लगा दी है सबसे पहले अपने कान्हा जी की प्लेट। लहसुन प्याज तो डला ही नहीं था इसमें दाल में, तो बस सिंपल दाल है, थोड़ा सा घी डाल दिया था ऊपर से और बस कान्हा जी का भोग तैयार है। यहाँ पर मैंने कान्हा जी को लगा दिया था भोग, बन गया था खाना। मैंने कहा चलो भोग लगा देती हूँ और उसके बाद मैं अपना काम करती रहूँगी। सुबह का दूध रखा है तो बस दूध में मैं उठा लूँगी। उसके बाद बच्चे भी आ गए थे तो बस मैंने कहा चलो अब खाना लगा लेती हूँ। और यही है ये भल्ले जो कि मैंने बनाए थे और अब ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहे थे एकदम, कल खाए थे तो इतने ज़्यादा नहीं लग रहे थे। तो ये देखिए मैंने प्लेट लगा दी है, एकदम यम्मी यम्मी लग रहे हैं ना। तो आ जाइए गाइस, आप लोग भी खा लीजिए। और यहाँ पर मैंने दो प्लेट लगा दी हैं, एक प्लेट में हस्बैंड खा लेंगे और एक प्लेट में बच्चे खा लेंगे और मैं तो थोड़ा बहुत ही खाऊंगी। उसके बाद खाना भी दे दिया था बच्चों को और ये मैंने अपनी प्लेट लगा ली है, दाल चावल थोड़े से चावल लिए थे और बस खाना वाना खाए, छत पे ही बैठे रहे। फिर ग्रीन टी का टाइम भी हो गया था, मैंने कहा चलो ग्रीन टी भी बनाकर अब पी लेते हैं। अब मैं ना ग्रीन टी सिर्फ दो ही बार लेती हूँ मैं हमेशा से, और रात की तो मैं कभी कभी स्किप कर दे रही हूँ क्योंकि मैं ना रात का खाना खाती नहीं हूँ, तो उसके बाद मुझे ग्रीन टी की ज़रूरत नहीं लगती है। तो बस मैं अभी एक ही बार मेरी ग्रीन टी चल रही है, जिस दिन मैं शाम को कुछ खाती हूँ तो उस टाइम उस दिन मैं ग्रीन टी ले लेती हूँ रात के खाने के बाद में, लेकिन आजकल मैं खा नहीं रही हूँ, मैं सिर्फ दूध ही दूध पीती हूँ। तो यहाँ पर थोड़ी देर आराम किया, शाम का टाइम हो गया था तो जैसे कि मसाले सुखाए थे मैंने कहा चलो इनको भी मैं पीस लेती हूँ। तो मिर्ची धनिया ना बहुत अच्छे से सूख गया था और फटाफट से पीस भी जा रहा था एकदम से, मतलब थोड़ी देर चलाना पड़ रहा था और एकदम से पीस जा रहा था। और मैंने ना ज़्यादा बारीक नहीं पीसा था, मैंने कहा क्या करना है ज़्यादा बारीक करके, बेचना थोड़ा ही ना है। जो बेचते हैं मसाले बाहर मार्केट से आते हैं ना, वे बहुत बारीक आते हैं एकदम, लेकिन मैंने थोड़ा सा मोटा मोटा सा ही रहने दिया था। तो मिर्ची मैंने पीस ली है और धनिया का भी नंबर आ जाता है, धनिया भी थोड़ा थोड़ा करके पीस लूँगी और बस फिर ना मैं इसको थोड़ा सा ठंडा करूँगी क्योंकि गर्म हो जाता है ना, अगर डब्बों में भर देते हैं तो फिर वो ना जल्दी ही ख़राब हो जाता है। तो देखिए मिर्ची भी पीस ली है, धनिया भी पीस लिया है और ये ना 250-250 ग्राम था तो काफ़ी दिन चल जाएगा हमारे। और थोड़ा सा मैंने साबुत निकाल लिया था धनिया और मिर्ची, जैसे कि छोंक वोंक में काम आ जाता है, तो मैं अब डब्बों में भर के रख दूंगी, थोड़ा सा ठंडा हो गया था ये। और गाइस चलिए इस वीडियो का एंड भी करती हूँ, मेरा रूटीन पूरा होता है क्योंकि रात को मैं ज़्यादा कुछ खाती नहीं हूँ और सिर्फ दूध ही दूध पीती हूँ, तो वो मैं लेट पीती हूँ, फिर मुझे एडिटिंग भी करनी होती है। तो जी चलिए इस वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ, और अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और गाइज कल मिलूँगी फिर एक अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।